अलवर बाईपास रोड स्थित वेदांता फार्म हाउस में मारवाड़ी समाज द्वारा तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृष्ण कुमार बीएल बगड़िया, इंदिरा राम देहड़ू मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सीमा जालान व नुपुर शर्मा के द्वारा किया जा रहा था। मुख्य अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तीज के मौके पर मारवाड़ी महिलाओं ने सावन के गीतों पर नृत्य करते हुए अपने अंदाज को दिखाया। सभी महिलाओं ने एक के बाद एक खूबसूरत प्रस्तुति दी। आयोजन स्थल पर लगे झूले पर महिलाओं ने झूले पर गीत गाते हुए खूब आनंद उठाया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे के साथ झूले पर बैठकर फोटो भी खींचे। इस अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतियोगी महिलाओं को मारवाड़ी समाज द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। महासचिव किशन शर्मा ने बताया कि हमारे मारवाड़ी समाज की महिलाएँ अपने समाज व संस्कृति के प्रति सच्ची निष्ठा रखती हैं। हमारे समाज में सबको बराबर का हिस्सा दिया जाता है। समाज के अध्यक्ष पार्षद अमित नाहटा जैन ने आयोजित कार्यक्रम की विशेषता का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में सभी महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों ने मारवाड़ी वेशभूषा पहनकर एक अलग ही पहचान बनाई है। इस दौरान कार्यकारी सदस्य सुभाष व्यास, विजय सांगवान, राजकुमार कुमावत, केएल जालान, संजय सरवगी, रोशन सिंह राठौर, सीताराम परिहार, राकेश कुमार देहड़ू, रघुनंदन, प्रमोद पारिक, सुपारस बांटिया, किशन शास्त्री आदि मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जमशेद खान। सावन का महीना चल रहा है और जगह जगह हर सोसाइटी में तीज महोत्सव मनाया जा रहा है और आज हम पहुंचे क्या है वेदांता फार्म हाउस में और यहाँ भी मारवाड़ी समाज की तरफ से तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ भी ये छोटा सा नन्ना सा बालक है, वो भी मेरे साथ बैठा हुआ है, उनसे भी हम बात करेंगे और लोग जो यहाँ तीज मनाने के लिए आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि इस तीज महोत्सव का क्या महत्व है और किस तरह से ये मनाया जाता है और क्या क्या इसमें रसम मनाई जाती है, तो और लोगों से भी बात करेंगे। और आइए हम बात करते हैं, चलते हैं लोगों से बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है बेटा? हर्षवर्धन चंडलिया। तो आज तीज महोत्सव में, आज कार्यक्रम में आप आए हैं, तो कैसे लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या क्या खाया? अभी खाया कुछ नहीं है? नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ ही नहीं खाया। कुछ नहीं क्या है? तो आपको पता है कि तीज क्यों मनाई जाती है? क्यों क्यों मनाई जाती है तीज, पता है? नहीं नहीं नहीं। तो और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि तीज महोत्सव का क्या महत्व है। आइए चलते हैं और जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। बहुत सारी महिला आई हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे लोगों से कि क्या इस तीज महोत्सव का क्या महत्व है। वेदांता फार्म हाउस में अल्लूर बाईपास में आया हूँ और यहाँ पे तीज महोत्सव जो मनाया जा रहा है, महिलाएं सारी 16 श्रृंगार करके आई हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे कि तीज महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसका क्या महत्व है और लोग किस तरह से यहाँ तीज को मनाया जाते हैं। मैम, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया, मैं रितिबा नाहटा हूँ जी। मैम, आज तीज महोत्सव है और किस तरह से आप मनाते हैं और किस तरह से? जी, तीज महोत्सव मारवाड़ियों का एक बहुत ही बढ़िया त्यौहार है जिसके अंदर औरतें अपने झूले झूलती हैं और मिठाइयाँ खाती हैं, घेवर खाती हैं, फीनी खाती हैं और 16 श्रृंगार करके अपने पतियों को रिझाती हैं। तो आपका क्या नाम है? मैं मीता सरावगी जी। और हम यहाँ तीज महोत्सव मनाने आए हैं। ये हमारे मारवाड़ी समाज का बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, तो आप लोग सब देखिए और इंजॉय कीजिए और ये हमारी बहनें सखियाँ सब। तो आज क्या क्या तैयारी की है आपने इस कार्यक्रम में? हम बहुत से गेम, बहुत से डांस, ग्रुप डांस होने वाले हैं, कपल डांस होने वाले, कपल गेम है, तो सबके लिए मनोरंजन वाला मंच है ये। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है और आज तीज महोत्सव के लिए हम यहाँ पे सब शामिल हुए हैं, जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम 16 श्रृंगार में तैयार हो माँ देवी और पार्वती के लिए उसी तरीके से, और तीज माता जो है सभी का श्रृंगार बनाए रखे, यही हम कामना करते हैं। तो और आपका क्या नाम? मेरा नाम चंदा मुखिया है। हम तीज का प्रोग्राम मनाने आए हैं यहाँ पे और तीज में औरतें 16 श्रृंगार करती है, शिव पार्वती की पूजा करती है और अपने अखंड सुहाग की कामना करती है। तीज का जो महत्व है, किस तरह जैसे नई शादी है उसको पहली तीज जाती है, ऐसा कुछ होता है ऐसा क्या? नहीं, ये मैरिड और अनमैरिड दोनों ही करते हैं इसमें ना, मतलब ये सावन के महीने में आती है तीज, तीज मतलब तिथि ना तीज होती है उसमें आती है, और इसमें क्या कि कुंवारी लड़कियाँ और शादीशुदा दोनों, कुंवारी लड़कियाँ अपने अच्छे वर के लिए, भविष्य में क्या अच्छा वर मिले उसके लिए, और शादीशुदा अपने पति के लिए कामना के लिए करते हैं वो। तो आपका क्या नाम है? किरण अग्रवाल जी। क्या कहेंगे आज तीज महोत्सव में?
भाई पहले बात तो आज मेरा बर्थडे है। बहुत बहुत तरीके से आप मना रहे हैं आज? हम बिल्कुल तैयार होके डांस परफॉर्म करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, गेम खेलेंगे, इसी टाइप से मनाएंगे अपना तीज। तो सांगवान है। कहाँ से हैं आप? मैं कोसमोस से। कोसमोस से, तो आप राजस्थान है, तो किस तरह से मारवाड़ी समाज में कैसे मनाते हैं? मारवाड़ी समाज में बहुत अच्छे से मनाओ, धूमधाम से मनाया जाती है उत्सव। नाम दीपा मिश्रा है। मैं तीज जो बनाओ पूरे तरीके से साज सिंगार साथ है, मेहंदी लगार और पूरे खानो पीनो आदमी सके सब मोटियार मारे लिए गिफ्ट किया है। तीज खातर सिंदारो आवे जो सास माने देवे, बट अब तो मारी सास को नहीं, बट फिर भी मारे पति वो सास सारा हजमो निभावे और मैं अच्छे से तीज मनाऊ। तो आप देख सकते हैं, मैं अब इनकी भाषा सुन के ऐसे लग रहा है मैं पेवर राजस्थान में चला गया हूँ, कि ये मारवाड़ी भाषा मेरे को आती नहीं है लेकिन समझ थोड़ी है, वो मारवाड़ी भाषा में बात कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि अब मैं प्योर बाड़मेर शहर में राजस्थान में आ चुका हूँ, मारवाड़ी भाषा में जो बात कर रही है। तो और किस तरह से हम लोग बात करते हैं जैसे भाई? अब ये जिया जिया देश बदले बियां बोली बदले, अब मारवाड़ी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है हमारी बोलनी, पर फिर भी चाहवा कि कोई एक त्यौहार तो है जी मैं सारा मारवाड़ी इकट्ठा हुआ और मैं अपनी बोली में अपनी बोली ने याद करा और अपनी जगह ने याद करा और अपना सेलिब्रेशन करा। तो मारवाड़ी जैसे मारवाड़ में पूरा तीज का जो अलग ढंग से मनाते हैं, जैसे यहाँ पे आज मना रहे हैं आप, तो उस कोई अलग तरीका होता है मनाने का, कुछ कल्चर कुछ प्रोग्राम अलग होता हो? ये कल्चर दो दिन पहले ही चालू हो जाए, एक दिन मेहंदी लागे, दूसरे दिन सिंदारो आवे, तीसरे दिन मारे गेवर पुआ ये सब बने। आजकल वह सब चीजें कम होगी है, वो तीन दिन को त्योहार एक ही दिन में सिमट के रह गए। तो आप देख सकते हैं कि जो त्यौहार पहले बहुत दिनों से तैयारी, जब त्यौहार आता था काफ़ी लंबे समय से तैयारी होती थी कि भैया आज वो त्यौहार आने वाला, लेकिन अब वन टाइम थोड़ा सी समय रह जाता है तुरंत तैयार होते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी की तरह लोग मनाते हैं। और लोगों से हम बात करेंगे, मानसी तो आज तीज महोत्सव मनाया जा रहा है, किस क्या कहेंगे? हमारा राजस्थानी कल्चर है, बहुत ही रिच है, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए सब आयोजन होने चाहिए और इसीलिए हमने अटेंड किया है आज। तो आप भी राजस्थान से हैं? बिल्कुल राजस्थान। तो मारवाड़ी आपको आती होगी? बिल्कुल आवे जी। मारवाड़ी में बोलो कि तीज में क्या क्या बोलते हैं, क्या किस तरह से आप बात करते हैं? क्या बोला, मारवाड़ी तो बोलने आवे है जी। तो आगना को त्यौहार है बस। नमस्ते दर्शकों, अभी हम लोग आए हुए हैं वेदांता फार्म्स में और यहाँ पे मनाया जा रहा है मारवाड़ी समाज की तरफ से तीज का प्रोग्राम। तो अभी हम लोग पूछते हैं कोई दर्शकों से कि क्या रिव्यू है उनका इस बारे में। प्रोग्राम के अध्यक्ष भी हैं, प्रोग्राम ये इस प्रोग्राम के अध्यक्ष भी हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि आपकी ने क्या तैयारियां करी थी? ये कार्यक्रम महिलाओं ने आयोजन किया है, बाकी जेंट्स का भी पूरा योगदान है इस कार्यक्रम के अंदर, लेकिन इस कार्यक्रम में जितना योगदान, सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का है। उन्होंने इसमें तीज फंक्शन में मिसेस तीज, कपल डांस और ग्रुप डांस और कपल गेम्स, ये सारे प्रोग्राम आयोजन किए हैं यहाँ की महिलाओं ने, जिसका मन संचालन कर रही है अपनी नूपुर शर्मा जी और सीमा जालान जी, और हम कोशिश चाहेंगे कि ये कार्यक्रम भव्य से भव्य बने। और देखते हैं कि और लोगों का क्या तैयारियां थी और क्या उन्होंने प्रैक्टिसेस करी थी डांस की। तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे लोगों के पास। नमस्ते, तो मैम आपने कुछ डांस की तैयारियां करी है या फिर कुछ तैयारियां? बोल बोल बोल। हाँ, तो जैसे कि हमने देखा कि आंटी शर्मा रही थी, तो हम उनकी पार्टनर से ही बात करेंगे। हाँ जी, हमने डांस की तैयारी की है। गाना बताऊं? गाना तो नहीं बताएंगे हम अभी। तो अभी आंटी बता नहीं रही कि कौन से गाने पे किया है, तो अभी हम लोग दूसरे लोगों के पास चलते हैं। तो नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो आपका क्या, आप कुछ डांस वांस करेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल बेटा, डांस करेंगे। डांस की मैं तो तैयारी कर रहा हूँ पिछले 15 दिन से।
आप मारवाड़ी गाने पे करेंगे या हिंदी गाने पे? मारवाड़ी त्योहार है तो सारे गांव प्रोग्राम में सब मारवाड़ी में होगा। आपको मारवाड़ी भाषा आती है? बहुत बढ़िया से मारवाड़ी आओ बेटा और मारवाड़ी गाना पे डांस कर सू और वो भी मैडम के साथ है। मारवाड़ी बोलो तो सही। नहीं मारवाड़ी में करेंगे बेटा सारा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अंकल मारवाड़ी बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मगर ठीक है, मगर मारवाड़ी बोल रहे थे अंकल। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कुछ अंकलों के पास, अभी हम लोग जानते हैं कि उनका क्या रिव्यू था। तो सर आपका क्या रिव्यू था इस प्रोग्राम के बारे में और क्या लगता है कि आप महिलाएं इससे खुश होंगी कि नहीं? बहुत खुश होंगी, देखो खुश नज़र आ रही हैं सब, सबके चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है। अच्छा माइक नहीं लेना मेरे को। तो बहुत खुश नज़र आ रही हैं महिलाएँ, देखो सब खुश हैं, सब तीज मिल के तीज बना रहे हैं, बढ़िया बात है। तो अभी हम लोग साइड वाले के पास चलते हैं। तो सर नमस्ते, आपका क्या था रिव्यू? रिव्यू बहुत अच्छा है, लग रहा है कि भाई प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो रहा है और ऐसा लग रहा है इनमें इस प्रोग्राम के लिए लेडीज़ों में महिलाओं में इतनी उमंग था, कई चार पाँच दिन से इस तरह का चल रहा था तो इसमें ऐसा लग रहा था कि इस बार बहुत शानदार प्रोग्राम होगा और ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और सारे लोग खुश हैं, लेडीज़ क्या जेंट्स भी एकदम पूरे फुल एंजॉय ले रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं साइड वालों के अंकल के पास। तो अंकल आप लोगों ने खाने में क्या क्या पिया, क्या क्या खाया? फिलहाल तो कुछ खाया भी नहीं, पानी पिया है खाली, बाकी बन रहा है अभी तक। नहीं घर में जैसे कुछ जब तीज आती तब लोग घेवर खाते हैं वगैरह वगैरह, घेवर बनते हैं, फेणी लाया जाता है बाजार से और सत्तू है वो बनाए जाते हैं इस त्यौहार पे। तीज जो है वो राजस्थान लोक संस्कृति का महिलाओं का त्यौहार होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तीज क्यों मनाई जाती है सर? तो आप हमें मुझे ये बताइए कि तीज क्यों मनाई जाती है? बताओ इस तरह नहीं बताएंगे। तो अंकल को अभी नहीं पता है तो हम लोग साइड वाले अंकल से पूछते हैं। तो अंकल तीज क्यों मनाई जाती है? तीज का प्रोग्राम सावन के अंदर जो ये कि तीज माता जी हैं, ये अपने इष्ट देव हैं एक तरह से, जैसे देवी देवता हैं उसी तरह अपने तीज माता जी हैं ये, जिस तरह हम और जैसे हम माता जी को हम ध्यान करते हैं उन्हीं इसी तरह हम तीज का त्यौहार सावन के अंदर मनाते हैं। तो तीज महोत्सव एक बहुत बड़ा उत्सव है और कोरोना के बाद में आज लगभग 2 साल बाद मारवाड़ी समाज भी तीज महोत्सव बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं और आपने देखा ही है इसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं। फिलहाल अभी मैं यह नहीं कह सकता कि अभी भी बहुत आदमी हैं जो अभी तक शामिल हुए नहीं हैं क्योंकि कई कार्यक्रम है, छुट्टियाँ हैं, सब इधर उधर है, लेकिन आज भी लगभग 300-350 हमारे साथ मेम्बर्स जुड़े हुए हैं और उनका उत्साह आपको देखना बनता है और मैं यही चाहूँगा कि सब ऐसे ही हरियाली जैसे फैलती है वैसे ही हरियाली हमारे जीवन में फैलती रहे और कोविड और ये सब जो आते हैं इनको भगवान के मेरी प्रार्थना है कि ऐसा विपदा वापस ना आए और सब खुशहाली में अपने मनाएं। और क्या क्या इसमें रखा गया है जो आज का जो कार्यक्रम था? ये एक राजस्थान परंपरा के हिसाब से हमने सारा रखा है, इसमें अपन ने महिलाओं ने बहुत चीज़ों में भागीदारी करी है, गेम्स हुआ है, डांस का प्रोग्राम हुआ है और खाना भी हमने मारवाड़ी के हिसाब से बनवाया है और हमने कोड भी ये रखा है कि सारे मारवाड़ी ही बोलें ताकि भाईचारा बढ़े और हमारा एक मिशन ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें ताकि उनके सुख दुख के समय हम उनके साथ खड़े मिले। तो यहाँ पे कितना परिवार रहता है मारवाड़ी समाज? देखिए यहाँ मारवाड़ी के लगभग 1000 से ज़्यादा परिवार हैं लेकिन अभी तक हम 350-400 परिवारों को ही जोड़ पाए हैं और धीरे धीरे कोविड के वजह से भी कई आदमी कट गए थे, हम उनको जोड़ रहे हैं और इस एक साल के अंदर में हमने करीब 70-80 परिवारों को जोड़ा है साथ में और लगातार हमारा प्रयास यही है कि ये तो एक माध्यम है, एक गेट टुगेदर है, हमारा प्रयास यह रहता है कि हम कहीं भी कोई मारवाड़ी भाई बंधु हमारा कहीं भी कोई दिक्कत में है तो हम उनको जाके मदद करें। हमारे समाज का सबसे बड़ा यही एक मोटो लेके हम चले हैं, सर्व करके चले हैं, नौकरियों में बढ़ोतरी, काम में बढ़ोतरी और हम धीरे धीरे हमारा लक्ष्य है कि हम इसको हम ये नहीं कह सकते 100% हम जोड़ पाएंगे लेकिन हम 80% तक हम उसको 80-85% हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू बात करने के लिए। ऐसा है, पिछला हमारा जो तीज का उत्सव था वो 2019 में हुआ था, उसके बाद में कोरोना काल आ गया तो कोरोना काल में हमारा समाज ऐसे ही नहीं बैठा,
बल्कि रोज़ाना 650-700 गरीब लोगों के लिए खाना बनाने का हम काम करते थे, और आपके माध्यम से भी कई बार आपने ये न्यूज़ भी दिखाई है। हमने अपने समय का उस समय सदुपयोग करने का प्रयास किया। पिछले 6-7 सालों से ये जब से मारवाड़ी समाज फाउंडेशन ट्रस्ट बना है तब से हम इस तरह के प्रयास करते रहे हैं। और त्यौहार मनाना केवल हमारा उद्देश्य नहीं है, त्यौहार के साथ साथ हमारे जो समाज के लोग हैं उन सबको ये पता चले कि त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। और इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के जो एकदम निचले तबके के लोग हैं वो सभी मुख्य धारा से जुड़े रहें और हमेशा प्रगति करें, किसी भी तरह की एजुकेशन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, या अन्य कोई भी आर्थिक सहयोग भी, अगर कोई बच्चा जैसे पढ़ने लिखने में उसको परेशानी आ रही है तो हम उसके सहयोग करने के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं। युवाड़ी में 1000 के समथिंग मारवाड़ी समाज का परिवार रहता है, और आप अपने जो संस्था आपने बनाई है मारवाड़ी समाज, कितने लोगों को जोड़ पाए हैं आप अभी तक? कम से कम यहाँ पर 1000 के आसपास परिवार रहते हैं मारवाड़ी समाज के, लेकिन अभी हम 300-350 तक पहुँच पाए हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा नहीं तो हम 80-85% तक हम अगले, क्योंकि हमारा केवल ये तीज का त्यौहार नहीं है, हम होली का त्यौहार भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। होली उत्सव बहुत अच्छा ज़बरदस्त भिवाड़ी के टॉप प्रोग्रामों में से रहता है। उसके अलावा दिवाली मिलन समारोह भी हमारा होता है, उसके अलावा भी हम अन्य एक्टिविटीज़ में भाग लेते रहते हैं, समय समय पर शिविर भी हम लगाते रहते हैं। तो ये मारवाड़ी समाज किस उद्देश्य के लिए बनाया है, किस तरह से ये इसकी प्लानिंग है समाज के लिए? हमारी प्लानिंग यही है कि हम अपने समाज के लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें, आर्थिक सामाजिक और पारिवारिक रूप से सबको शिक्षा मिले, सबको अच्छा काम मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, ऐसा हमारा प्रयास है, और कोई भी आदमी वंचित न रहे। जी, तीज आपको पता है महिलाओं का, विशेषतः महिलाओं का त्यौहार है, और मारवाड़ी समाज हमेशा ही महिलाओं की प्राथमिकता रही है। मारवाड़ हमेशा महिलाओं को पूछता रहा है, और इस बार महिलाओं की सहभागिता बहुत ज़बरदस्त रही और बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हम लोगों ने मिसेज तीज का पहली बार, ये भिवाड़ी के ही इतिहास में हमने मिसेज तीज जो मारवाड़ी समाज ने जो किया, और बहुत ही सक्सेसफुली इस कार्यक्रम को हमने किया, और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। जय मारवाड़, जय मारवाड़ी। क्या थीम थी आज की इस प्रोग्राम की, कि लोग अपनी भाषा में, अपनी बोली में बात करें? आज का हमारा जो मेन एजेंडा था वो यही था कि जितने भी मारवाड़ी हैं, जो इस भिवाड़ी के अंदर औद्योगिक नगरी के अंदर जितने भी हमारे मारवाड़ी भाई हैं, वो एक दूसरे से जुड़े, ताकि जो भाईचारे की भावना है, जो एक दूसरे के सहयोग की भावना है, वो ज़्यादा बढ़े, सौहार्द हमारा बढ़े, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पर रह रहे हैं। तो मिसाल यही थी आज की। थैंक यू, धन्यवाद। मैसेज देना चाहते हैं आप मारवाड़ी भाषा में? मारवाड़ी समाज की तरफ से मारवाड़ी भाषा में मैं यही कहना चाहूँ हूँ कि सगला मिलकर एक दूसरे ने उठाओ, एक दूसरे को सहयोग करो, चाहे वो काम में हो चाहे वो सम्मान में हो, एक दूसरे का सागे खड़े रहो, अगर बैठनी हो बड्डो को नहीं हो सागे खड़े होनी हो बड्डो हो। थैंक यू मैम, धन्यवाद। आज के हमारे जो तीज उत्सव मनाया गया मारवाड़ी समाज में, इसकी थीम हमने लहरिया बंदेज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत रंग बिरंगी और राजस्थानी पोशाक में हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे उनसे गेम्स करवाए हैं, डांस करवाया है, मिसेस तीज का प्रोग्राम करवाया है, तो अलग अलग तरह से राउंड होके महिलाएं विनर बनी है, तो काफी इंजॉय किया है सभी ने। मैंने देखा कि इस थीम भी मारवाड़ी भाषा में बात करने की थी, तो आप भी जो थोड़ा मारवाड़ी भाषा में हमें, हमारे दर्शकों को बताएं तीज के बारे में, क्या मारवाड़ी भाषा में? हमें गर्व है मारवाड़ी, मारवाड़ी में मैं ये कहूँ कि भाई मारवाड़ी में तीज हमारी सावन महीने की तीज ने मनाई जाए है, तो ये मैं सब सगला को या मान लगा नहीं रखे तो कंपलसरी कर था कि भाई मारवाड़ी बोलनो है, मारवाड़ी पोशाक पहननी है, मारवाड़ी खान पान भी मारवाड़ी रखनो है, मारवाड़ी जैठे कोई हिंदी बोल रहा था तो बंदा मुझे टोक रहा था कि भाई मारवाड़ी बोलनो है, ताकि हमारा बच्चा भी आगे मारवाड़ी बोले। जैसे कि ना आप लोग सबको पता है कि सावन का महीना शिव जी का होता है, तो शिव जी को, पार्वती जी को शिव जी तब मिले थे जब उन्होंने शिव जी की पूजा करी थी, तो आज के महीने में अपने सुहाग के लिए औरतें तीज मनाती है, 16 श्रृंगार करते हैं इसमें, हाँ 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए पूजा करती है शिव पार्वती की। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ?